हो रहा है, आप देख सकते हैं ये। तो जैसा आप लोग तो यहाँ से आप देख सकते हैं, यहाँ से कितना प्यारा, तो ये देख सकते हैं यहाँ पे फाइबर साइड मैच शुरू। तो देखिए इस टाइम हो गई मूसलाधार बारिश। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नई अपडेट्स के लिए घंटी के बटन को जरूर दबाएं। हेलो दोस्तों, कैसा आप लोग, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ठीक होंगे। एक नए ब्लॉग के समय में फिर आ गया हूँ आपका अपना भाई किसान अली। और जो मेरा आज का ब्लॉग है नैनीताल के वेदर के उसमें, टूरिज्म के उसमें, पर्यटक के उसमें, आज दिखाने वाला हूँ कि नैनीताल में कैसी भीड़ भाड़ है, क्योंकि G20 का दिल्ली में बंद है। तो देखते हैं नैनीताल में पर्यटक पहुँच रहे हैं या नहीं पहुँच रहे हैं। हालांकि जैसा मैं देख रहा हूँ अभी पर्यटक नहीं आए हुए, तो सुनसान हो रहा है नैनीताल में। तो चलिए ब्लॉग को स्टार्ट करते हैं और कुछ नहीं करते हैं। और धूप इस टाइम काफ़ी तेज़ लग रही है, इसलिए मैं हाथ ऐसे रख रहा हूँ। तो चलिए बैक कैमरे से दिखाते हैं आपको नैनीताल की हसीन वादियाँ, नैनीताल की फील्ड, फुटपाथ, लेक। तो चलिए ब्लॉग को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा आप लोग देख रहे हो ना, इस टाइम मैं आपको बिल्कुल जैसा कि फील्ड से लगते हुए मोबाइल से दिखा रहा हूँ, और कुछ इस तरीके से नज़ारा देखने को मिल रहा है, आप देख सकते हैं ये। और वेदर कुछ इस तरीके से बना हुआ है ये, तो ये देख सकते हो आप लोग। और यहाँ से आपको कुछ इस तरीके से खूबसूरत नज़ारा देखने को मिल रहा होगा, जैसा आप देख रहे हैं ये। तो बिल्कुल नीचे की तरफ से दिखा रहा हूँ आपको, तो यह नगर पालिका DSA का ऑफिस, और सामने आपको दिख रही है जामा मस्जिद, इस तरीके से नज़र आ रही है, देख सकते हैं आप लोग। तो ये हमारा नैनीताल का DSA फील्ड, बिल्कुल समतल दिख रहा होगा आपको। तो आज कुछ नैनीताल का वेदर इस तरीके से बना हुआ है, आप देख सकते हैं कि पूरा नीला आसमान हो रहा है, बादल जो है काफ़ी मोटे दिख रहे हैं, लेकिन कितने प्यारे बादल दिख रहे हैं, जैसा आप ये देख रहे हैं सामने। और इधर ही हमारा ये सूरज दिख रहा है, ये सामने बिल्कुल धूप की चमक है इस टाइम। और यहाँ देख सकते हैं कितने काले बादल हैं ये। और इसके नीचे की बात करें तो यहाँ पे हमारी नगर पालिका दिख रही है, और DSA का ऑफिस अमर उजाला वाला लिखा दिख रहा है, जामा मस्जिद। और यहाँ पे चल रहा है U18 फुटबॉल का मैच, बच्चों का स्कूल का। और यहाँ पे फाइबर साइड चल रहा है, 5-5 जनों का मैच चल रहा है यहाँ पे। तो ये भी काफ़ी यूनिक देखने में मज़ा आ रहा है इसको, मैच फाइबर साइड को, मैच को 15-20 मिनट का ये मैच हो रहा है, तो काफ़ी एक दिन में 7-8 मैच हो रहे हैं। तो ये देख सकते हैं आप इस तरीके से वेदर बना हुआ, कितना प्यारा वेदर हो रहा है, ये देख सकते हैं आप लोग, ये पूरा नीला आसमान। और इस टाइम मैं फुटपाथ के पास हूँ, फुटपाथ की दुकानें बिल्कुल खुली हुई नहीं, अभी टाइम टू टाइम ये खुल रही हैं। तो अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो नहीं किया, इंस्टाग्राम में मुझे फॉलो कर सकते हैं, मुझसे चैट कर सकते हैं, और वहाँ भी काफ़ी मैं अपडेट दे रहा हूँ आजकल। लेकिन वेदर देख के तो काफ़ी प्यारा वेदर हो रहा है, आप देख सकते हैं ये, देख सकते हैं आप लोग, और कुछ इस तरीके से है खूबसूरत नज़ारा जो अलग ही देखने को मिलता है। तो ये देख सकते हैं आप लोग, तो यहाँ से आप देख सकते हैं यहाँ से कितना प्यारा कलर देखने को मिल रहा है, बिल्कुल ग्रीन ग्रीन के ऊपर हमारी ये ब्यूटीफुल लेक्स अलग अलग कलर की, देख सकते हैं आप ये। और यहाँ पे देख सकते हैं आप किस तरीके से पानी कलर ब्लू ग्रीन दिख रहा है। और इधर की तरफ आप चलेंगे तो ये हमारे नैनीताल के सामने नैनीताल की लेक, इस टाइम बोटिंग करते हुए लेक। और इधर से आप वेदर देख सकते हैं ये, तो ये है वेदर इस तरीके से बना हुआ। तो यहाँ पे देखिए लोग बोटिंग करने जा रहे हैं ये, तो ये देख सकते हो आप लोग। और यहाँ पे कुछ इस तरीके से फ्लावर लेकर फोटो शूट कर सकते हैं, वो ड्रेस पहन के, सामने ड्रेस लग रही है सामने, ये सामने, तो ड्रेस कोड पहन के आप ऐसे फोटो वोटो खिंचा सकते हैं, ये देख रहे हैं आप। और यहाँ से आप देख सकते हैं नैनीताल की सामने नैनीताल की लेक, और यहाँ से बोटिंग करते हुए लोग। और आज जो है ना इस टाइम कम बोट से चल रही है, जैसे आप देख रहे होंगे सामने, और पानी का जो लेक का कलर है हमारा ग्रीन दिख रहा है सामने, तो कुछ इस तरीके से देख सकते हो अभी। और इधर की तरफ देख सकते हो अभी बैंड हाउस, और ये है नैनीताल के सामने नैनीताल की लेक हमारी। और ये बैंड हाउस है, बैंड हाउस तो पूरा बंद है अभी हमारा, कोई भी जा नहीं रहा है, इसमें आवाजाही बंद है पूरी। लेकिन इधर से कुछ इस तरीके से लेक देखने को मिलती है, आप देख सकते हैं ये। और ये बादल कितने मोटे, कितने प्यारे बादल लग रहे हैं। और ये देख सकते हैं आप लोग लेक, और इधर की तरफ देख सकते हैं ये। इस तरीके से नज़र आ रहे हैं आपको। और फुटपाथ में जो दुकानें अभी खुली नहीं है, तो टाइम टू टाइम ये खुल रही है, तो सारी अभी बंद है, ये सब खटी हिल रही लगी हुई हैं स्टॉल चाय के, ये देख सकते हैं आप लोग। और ये है लेक,
तो ये देख सकते हैं यहाँ पे फाइवर साइड मैच शुरू हो गया है और इस टाइम मैं मैच देख रहा हूँ और हल्की हल्की बूंदाबांदी भी होने लगी है। इससे तो आपको पता ही नहीं चल रहा होगा कि सीढ़ी ऑलरेडी इतनी गंदी हो रही है, बूंदे तो आपको दिख ही नहीं रही होंगी, लेकिन यह बूंदाबांदी भी शुरू हो गई है और फाइवर साइड मैच भी शुरू हो गया। उधर अंडर 18 स्कूलों का मैच चल रहा है, बच्चों का स्कूल का, इसे देख सकते हैं आप लोग। तो इस तरीके से यहाँ पर मैच चल रहा है मॉस्किटो और गैलेक्सी के बीच। और यहाँ पे तो देख बादल कोहरा लग गया है, ये देख सकते हैं आप, ऊपर ऊपर कोहरा लगा हुआ है, बिल्कुल नीचे की तरफ उतर रहा है ये, और इधर की तरफ तो ज़्यादा ही आ गया है कुछ। और मौसम देखिए कुछ इस तरीके से हो गया है। तो यहाँ पे चल रहा है मैच, और ये बच गया है। तो देख सकते हैं आप लोग कुछ इस तरीके से मैच चलते हुए। तो देखिए अभी मैं मैच देख रहा था और व्लॉग में शानदार मौसम हो रहा था, लेकिन जस्ट अभी होने लगी है बारिश, ये देख सकते हैं आप लोग। और यहाँ पे चल रहा है मैच ये, और बारिश जो है इस टाइम काफ़ी तेज़ हो गई है, ये देख रहे हैं आप। तो उस टाइम काफ़ी तेज़ बारिश और यहाँ चल रहा है मैच, ये देख सकते हैं आप लोग। अभी कुछ देर पहले मतलब मौसम इतना शानदार था और ये कुछ ऊंचाई से इस तरीके से दिखता है मैच, आप देख रहे हैं सामने। इस टाइम होने लगी तेज़ बारिश और तेज़ बारिश के बीच मैं आ गया हूँ नगरपालिका, और नगरपालिका में आके कुछ इस तरीके से नज़ारा देखने को मिलता है, देख रहे हैं आप सामने। और हो रही है बारिश और तल्ली ताल की तरफ ना बहुत काला मौसम हो गया, बिल्कुल घना कोहरा लग गया है वहाँ पे, उधर की तरफ देख रहे हैं आप ये। और यहाँ पर होगी पेनल्टी शूट आउट क्योंकि हो गई है बारिश इस टाइम, नहीं देख सकते। तो देखते हैं पेनाल्टी, तो ये हो गया गोल, पेनाल्टी शूट आउट हो रहा, देखिए। गैलेक्सी का ही हो गया है, मॉस्किटो का अब पहला गोल है, उसमें खड़े खड़े मारना है। ये भी हुआ गोल दोनों बराबरी पे, और बारिश भी हो रही है इस टाइम। गोल 2-1 गैलेक्सी के, 2 मॉस्किटो का, 1। उनका पैर उठ गया था तो वो बता रहे हैं वहाँ पे कि पैर नहीं उठाना है।
तो देखिए पेनल्टी शूट आउट भी चल रहा है और बारिश भी काफ़ी तेज़ हो रही है इस टाइम, देख सकते हैं आपको। तो आपको गोलियां इंजर्ट होते हुए तो कुछ इस तरीके से देखिए मौसम और बारिश। देखिए इस टाइम हो गई मूसलाधार बारिश और मैं नगर पालिका में खड़ा हूँ, छोड़ मैं नगर पालिका में आ गया नहीं तो भीग जाता। और वहाँ पे चलना अंडर 18 का मैच और यहाँ पे मैच ख़त्म हो गया है और काफ़ी मूसलाधार बारिश आप देख सकते हैं। ये तो काफ़ी तेज़ से बारिश हो रही है इस टाइम और सब लोग किधर उधर खड़े हो गए हैं। और सामने बैंड हाउस में भी देख रहा हूँ, सामने बैंड हाउस में लोग खड़े हुए नज़र आ रहे होंगे आपको, छोटे छोटे तो बैंड हाउस के अंदर भी चले गए हैं और कुछ जो तिरपाल लगी वहाँ पे भी खड़े हैं। तो काफ़ी तेज़ बारिश हुई है और फाइनली आज जो है चार पाँच मतलब एक हफ्ते के बाद ये बारिश हुई है। तो ये देख सकते हैं आपको कुछ तेज़ से बारिश हो रही है यहाँ पर।